ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल इट्स मी श्रुति मिश्रा। रिव्यू होने वाला है एक काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट के बारे में एंड ये काफ़ी वेल नोन ब्रांड से है और काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है। और आज मैं शेयर करूंगी अपना रिव्यू जो कि है आयुर रोज फेस पैक के बारे में, रिविटराइजिंग फेस पैक गाइज। और 25 ग्राम का है और इसका प्राइस 20 रुपीज़ है और इसकी शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स की। 3 ईयर्स तक आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर पैकेजिंग की बात करें गाइज तो ये इस तरीके के कार्डबोर्ड पैकिंग में आता है। पैकिंग ठीक है, नॉर्मल है इसके प्राइस रेट के हिसाब से। अंदर कुछ इस तरीके का फेस पैक है जो कि पाउडर फेस पैक है, आपको उसको मिक्स करके लगाना पड़ता है। वो काफ़ी ईजिली अवेलेबल है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। काफ़ी वेरियंट्स आते हैं जैसे कि नीम फेस पैक, आयुष शाही उपटन। इसका जो शाही उपटन है उसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर काफ़ी टाइम पहले किया था, उसमें रिव्यू एंड डेमो वीडियो दोनों है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक स्क्रीन में या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर चेक करिएगा वो वीडियो। उपटन काफ़ी अच्छा है, इवन वो बच्चों के लिए भी है। अगर आपकी स्किन में हेयर्स है तो वो हेयर को भी रिमूव करता है। अगर आपकी स्किन में हेयर प्रॉब्लम है तो आप वो आयु का शाही उपटन ज़रूर ट्राई करें। सो गाइज, ये फेस पैक में इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए गए हैं, रोज पेटल, स्टार्च, फुलर अर्थ, बस इसमें इतने ही इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए गए हैं। और इसको मेथड जो इसका लिखा है, ये मिक्स करना है 1 टेबलस्पून आपको रोज वाटर में और उसका थिक पेस्ट अपने फेस पे लगाना है। और जब ये ड्राई हो जाए तो वो आपको वॉश कर लेना है। मैं डेमो दिखाऊंगी जिसमें आप को क्लियर हो जाएगा कि ये फेस पैक कैसे काम करता है। इफेक्ट यूज ऑफ रोज पैक टोन्स एंड रिफ्लाइजेज स्किन टू मेक इट सॉफ्ट एंड हेल्दी। इट गिव्स कूलिंग एंड यूथ रिफ्रेशिंग इफेक्ट, मेकिंग योर स्किन सप्पल एंड यूथफुल। मतलब कि आपकी स्किन को सप्पल एंड स्मूथ बनाएगा। रोज पेटल्स गुलाब की पंखुड़ी जो हमारे स्किन को ग्लो देती है, रिफ्लाइज करती है, एक रेजुनेट टाइप का स्किन को करती है, यूथफुल स्किन देती है, वो ये फेस पैक काम करेगा। अगर आप घर में ला के रोज को पीस के सब नहीं कर सकते हैं जंजर, ये फेस पैक आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। So guys, अब बारी है इसके डेमो की, इसको मैं प्रिपेयर करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं अपने फेस पे इसको लगा के दिखाऊंगी एंड बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट आप खुद चेक करिएगा। आइए इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 बाउल और इसमें अब मैं 1 चम्मच ले लेती हूँ अप्रॉक्स, इतना ही आपको लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और इसमें हमें मिक्स करना है वाटर या फिर रोज़ वाटर, और मैं यूज़ कर रही हूँ नॉर्मल वाटर क्योंकि मेरा रोज़ वाटर फिनिश हो गया है। आप चाहे तो गुलाब जल डाल सकते हो या फिर पानी नॉर्मल। और कंसिस्टेंसी इसकी मीडियम रखनी है, बहुत पतला नहीं करना है, बहुत थिक नहीं करना है, बस एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी में अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि लम्स ना पड़े। हो गया है प्रिपेयर, अब मैं इसको अपने फेस पे लगा के दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगर आप फेस पैक लगा रहे हो, कोई भी फेस पैक लगा रहे हो, तो अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लो, कोई भी चीज़ लगी नहीं होनी चाहिए, ना कोई क्रीम ना मॉइस्चराइज़र। अब मैं इसको इवनली अपने फेस पे स्प्रेड कर ले रही हूँ ब्रश की मदद से। अगर ब्रश नहीं है तो आप फिंगर की मदद से भी लगा सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। अब इसको मैं लगा रही हूँ, अपनी नेक पे भी मैं लगाऊंगी। आप नेक बिल्कुल ना भूलें क्योंकि नेक से भी टैनिंग ये रिमूव करेगा, ग्लो देगा। तो पूरे फेस में मैंने इसको लगा लिया है गाइस, और अब मैं इसको छोड़ दूंगी ड्राई होने के लिए। 10 से 15 20 मिनट 30 मिनट तक ही लगता है ड्राई होने पे, ये डिपेंड करता है मौसम पे कि कैसा मौसम है, कैसा वेदर है। सो गाइस, मेरा फेस पैक सूख गया था और मैंने इसको वॉश कर लिया है और अब मैं इसको टॉवल से पोंछ ले रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा फेस इंस्टेंट ग्लोइंग लग रहा है और बहुत अच्छे से फेस में एक सपलनेस आ रही है, रेजुनेट लग रही है स्किन। और अगर आप कहीं भी किसी पार्टीज़ में जा रहे हो तो उससे पहले आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आपके फेस में एक इंस्टेंट ग्लो लगेगा। प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, अब मैं शेयर करी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के बारे में। गाइज, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है कि मैं आयुर के जो फेस पैक्स हैं उनकी काफ़ी बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे आयुर के फेस पैक काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हर्बल होते हैं और स्किन में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देते हैं। जो भी इनके क्लेम होते हैं वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल करते हैं। मुझे ये फेस पैक काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मेरी स्किन पर बहुत अच्छे से काम करता है। मैं ये यूज़ करती हूँ या फिर मैंने जो बताया आयुर का शाही उपटन, मैं वो यूज़ करती रहा। ऑल टाइम फेवरेट प्रोडक्ट है और मैंने बहुत सारे स्किन केयर रूटीन में उसको शेयर भी किया है, तो जो लोग पहले से मुझे जानते हैं शायद उनको पता होगा कि मेरा वो ऑल टाइम फेवरेट फेस पैक है। सो अगर रिकमेंड करने की बात करें गाइस, तो ये रोज पैक मैं हाईली रिकमेंड करूँगी सबको जिनको एक अफोर्डेबल पैराबेन फ्री
फेस पैक चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव साइड नहीं जाना है, तो आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं। इसके 2 से 3 साइज़ अवेलेबल है। पहले अगर आप न्यू हो, आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, तो आप इसका छोटा साइज़ ही परचेस करना, अगर पसंद है तो आप बड़ा ले सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था मेरा छोटा सा हॉनेस्ट रिव्यू आयुर रोज़ फेस पैक के बारे में। आई होप आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जस्ट बगल में लगा बेल बटन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।